सो ऋषभ, अभी जो न्यू कमर्स हैं, जिन लोग सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, दो चीज़ें. फर्स्ट, ये बताओ हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, सिंस यू माइट ऑल्सो बी टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ इंटर्न्स. एंड सेकेंडली, वॉट सॉफ्टवेयर्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स उनको सीखने चाहिए इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, सो दैट उनको ईजी हो जाए जॉब मिलने में. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आज तक अभी तक कोई इंटरव्यू लिया नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कभी फ्यूचर में इंटरव्यू लूँगा, तो मुझे ना किसी भी जो इंटरव्यू दे रहा है उसका मुझे इंटेंट जानना है। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता अभी उसको कितना चीज़ आता, मेरे को वो डिज़ायर चाहिए कि उसको सीखने का वो है, जील है, एंथू है या नहीं है। तो मेरे सीनियर्स भी ऐसे ही उसको देखते हैं, असेस करते हैं कि वो आगे सीख लेगा, क्योंकि जितना भी आता हो वो इनफ नहीं है, उसको सीखना ही पड़ेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अगर उसमें सीखने का वो रहेगा, वो एसेस कर पाऊंगा मैं, तो मैं हमेशा उस स्टूडेंट को लेना चाहूंगा उस कंपनी में। एंड स्किल्स के पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला एक्सेल इज अ मस्ट, मतलब एक्सेल तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि किसी के पास, मतलब मेरे को नहीं लगता ऐसा रहेगा कि बैठ के एक्सेल सिखाएगा वो, अब इम्प्लाइड है कि तुम्हें एक्सेल आना चाहिए। और सेकेंड जो यूज़ होता है, जो मैंने यूज़ किया है, विजुअल VBA होता है, VBA कभी कभी थोड़ा बहुत काम आता है, तो वो भी काफ़ी चीज़ रहता है। जैसे मैं बिरला में था तो मुझे VBA काम आया काफ़ी, तो उसका नॉलेज भी अच्छा रहता है। लेकिन एज आई सेड कि अगर करते करते भी सीखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक एक्सेल आना चाहिए। और मेन तो सॉफ्टवेयर वो प्रॉफिट होता है जो हम लोग ने किया, जो मेनली यूज़ होता है, वो तो एक्सपोजर उसका मिल नहीं सकता, वहाँ रह के आप सीखोगे तो ही आपको, मतलब कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उस सॉफ्टवेयर में। सो फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, तो अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपका जॉब इंटरव्यू है, तो आपको CT5 और CT1 के बेसिक प्रिंसिपल्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यूअर आपको मटेरियल से पूछेगा कि ये बताओ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो चैप्टर है वो सब थोड़ा बहुत आना चाहिए, रिजर्विंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सब थोड़ा बहुत आना चाहिए, फिर ड्यूरेशन वगैरह का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ये सब, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब चीज़ आना चाहिए, लेकिन बेसिक्स जो होता है वो है। इंटरव्यू भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें सब चीज़ पता रहेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया पेपर दिए हुए को, उसे बस जानना है कि तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो आंसर को, और तुमको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है नहीं पता, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब चीज़ राइट देना है। थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस टुडे, एंड वी होप दैट इन फ्यूचर एज वेल वील बी होस्टिंग यू अलॉट मेनी टाइम्स, एंड वी विश यू ऑल द लक फॉर योर लास्ट पेपर, ऑल द बेस्ट, एंड सून बिकम अ क्वालिफाइड एक्चुअली. थैंक यू. थैंक यू।